जर्जिस जेल चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोग अगर जाना है जाइए, और नहीं जाना है तो बस शुरू हो रहा हूं, मत जाइएगा। शुरू हो रहा हूं, मत जाइएगा। उधर तीन चार लोग अलग कमेटी बनाए हुए, उसमें जितना अकलमंद है वो आगे आ जाए। अच्छा, तीन चार अकलमंद, वो लोग पता नहीं समझ रहा हम लोग अकलमंद है कि नहीं है। आगे अकलमंद है तो वो उससे पूछ रहा कि तुम हो कि हम है। अच्छा, तब अभी समझ में आया कि हम दोनों हैं। माशाल्लाह, एक तो रह गया। अच्छा, वो भी है। अच्छा, एक तो आ रह गया। तुम है बाबू अकलमंद, लेके चले आओ, लेकिन बच्चा को लेकर के चले आओ। हाँ, तो बच्चा को छोड़ दो, वो सोएगा, तुम आ जाओ। वो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको बैठने दो। उनको बैठने ही बैठने, हाँ उनको बैठने दो, इसलिए कि उनके पास भी टाइम कम बचा हुआ है उम्र के हिसाब से। बड़े अच्छे लोग हैं आप। नाज शरीफ, खालिस नाज शरीफ का शेर आप लोग सवाब की नियत से सुने। रुखे रसूल पे अनवार, वद दोहा के चले। हुजूर मुफ्ती साहब कुबला जो दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत का मुदर्रिस रह चुका हो, यकीनन वो बासलाहियत तालिम है। जिंदाबाद, हक है, हक फरमाया हजरत। वाह, बहुत काबिल आदमी है। अल्लाह का शुक्र है कि अब साहिबे निसाब हो चुके हैं, सर्विस हो गई है। अल्लाह और तरक्की दे। इनकी तरक्की से आप लोगों को कोई तकलीफ? आमीन। हम कह रहे हैं अल्लाह तरक्की दे, तो आप लोग खामोश है, आमीन ना बोलना चाहिए भाई। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अशरफी जी, ये भी पैसा के मामले में कम नहीं है। हाँ, देखिएगा नाते रसूल का शेर मैं पढ़ रहा हूँ, ये दोनों बुजुर्ग शेर को कैसे समझते हैं। खालिस नाज शरीफ के शेर है। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहूंगा कि तुम लोग खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। एक शख्स कुछ दिनों तक हजरत जा करके दरसगाह में पढ़ाई के वक्त एक मुदर्रिस के पास बैठता था, अचला आता था। उसने एक शादी की, पहली बीवी का नाम साकिना था। फिर कुछ दिनों के बाद उसने दूसरी शादी की, उसका भी नाम इत्तफाक से साकिना था। कुछ दिनों के बाद उसने एक को तलाक दे दिया। जब वो दरसगाह में गया तो मुदर्रिस ने कहा कि तुमने एक को तलाक क्यों दिया? कहा, हजरत आप ही ना फरमा रहे थे कि जहां दो साकिन इकट्ठा हो तो एक को हजब कर देना चाहिए, इसलिए आपके यहाँ बैठे कुछ तो हमको फायदा होना चाहिए, तो एक को मैंने हजब कर दिया है। तो आपको हजब नहीं करना, तुम लोग बैठो, मैं मर्दों से ज्यादा तुमको मुबारकबाद देता हूँ। इसमें मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, तुम मुबारकबाद के लायक हो। कुछ देर आज मैं तुमसे बात करूंगा, तकलीफ नहीं, बात करूंगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया मुफ्ती साहब कुबला ने, बस संजीदा होकर के बैठो, खुदा के वास्ते बात मत करना तुम लोग, वरना कभी भी साकिन हजब हो सकता है। हाँ, एकदम इत्मीनान से बैठो। अब शेर सुनिए आप। मेरा अकीदा है कि मेरा गौस कल भी जिंदा था, मेरा गौस आज भी जिंदा है। बोलो मेरा गौस आज भी, और जोर से बोलो मेरा गौस आज भी जिंदा है। हैदर साहब, और आपके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, बस जलसा जब भी कराइए तो ये सोच कर कराइए कि कोई आए ना आए, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने,
कोई राजी हो या नाराज हो, कोई मतलब नहीं, बस एक नियत रखिए कि गौस के नाम का जलसा है, बस गौसे पाक हमसे राजी हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक किससे राजी होंगे? दारू पीने वाले से, जुआ खेलने वाले से, शादी में हिजड़ों की तरह नाचने वाले से। बस यही सोच के दो चार बातें आपको समाप्त करनी है। क्या कहने हैं? वाह कि वाकई हम गौसे आजम के दीवाने हैं या सिर्फ नारा है। याद रखना, जो गौस का दीवाना होगा वो कभी शराबी नहीं हो सकता, और जो शराबी होगा वो गौस का दीवाना नहीं हो सकता। फैसला आपको करना है। रुखे रसूल पे अनवार, रुखे रसूल पे अनवार, वद दोहा के चले जो गेसु आए तो वल लैले इजा सजा के चले, सजा के चले। वाह वाह वाह। जो गेसु आए तो वल लैले इजा सजा के चले, सजाया रब ने ही गुलदस्ता उदनो मिन्नी का। सुभान अल्लाह। सजाया गुलदस्ता, सजाया रब ने ही गुलदस्ता उदनो मिन्नी का, चढ़ा के ताजे शफात वो जब दना के चले। सुभान अल्लाह। चढ़ा के ताजे शफात, चूंकि बहुत हाई लेवल का शेर है, आपको समझना मुश्किल है ना। बस सुभान अल्लाह, सवाब की नियत से कहिए। जरूर मख्फी है दर इस हबु इला गैरी, जरूर मख्फी है दर इस हबु इला गैरी, रजाए हक के यहाँ बस अना लहा के चले। सुभान अल्लाह। रजाए हक के यहाँ बस अना लहा के चले। किसी भी बात पर आपको मुकम्मल यकीन रखना होगा जी, भरोसा रखना होगा। और अगर किसी से इश्क करते हो तो कभी कभी इश्क इम्तिहान भी लेता है। मुजाहिदे मिल्लत ऐसी ही मुजाहिदे मिल्लत नहीं हुए। मक्का शरीफ में जाकर उन्हें अपने इश्क का इम्तिहान देना पड़ा, तब वो मुजाहिदे मिल्लत हुए। पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। सुन्नियत को सबसे ज्यादा फायदा पीरों से हुआ है, और सुन्नियत को सबसे ज्यादा नुकसान भी पीरों से हुआ है। बड़ा अलमिया है। आज अगर तुम्हारे इमाम साहब का जवान बेटा बीमार पड़ जाए तो कोई पूछने नहीं जाता है कि इमाम साहब आपके बेटे की तबीयत कैसी है। सही फरमाया हजरत। और अगर पीर साहब की मुर्गी बीमार पड़ जाए, फोन करके पूछता है, हुजूर मालूम हुआ कि मुर्गी की तबीयत अलील है? पीर साहब कहते हैं हाँ बेटा अलील है, दुआ करो ठीक हो जाए। ये हाल है। कहां है वो पीर, कहां है वो मुरीद? वाह 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 वाह। कहां गौसे आजम ने सिर्फ करामत नहीं दिखाई थी, क्या कहने हैं, बल्कि जमजम फतेहपुरी साहब से आपने शेर सुना, 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फज्र की नमाज भी पढ़ी। वाह 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 वाह। कहां है वो नमाज, कहां है वो सजदा? एक पीर दिखाता हूं,
और एक मुरीद दिखाता हूँ। करम करम महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ जोर से बोलो, बांग्लादेश में। इलाही बांग्लादेश में है। अरे निजामुद्दीन औलिया कहाँ? बांग्लादेश। दिल्ली में, दिल्ली में उधर टावर काम कर रहा है, उधर टावर काम कर रहा है, दिल्ली में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एनआरसी होना चाहिए। जब तुम लोग महबूबे इलाही को बांग्लादेश भेज सकते हो तो तुम लोग को कोनो देश भेजा जा सकता है। अजीब हाल है इस कौम का और अजीब हाल है हमारे मुल्क के लोगों का। चार दिन पहले पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप खोलिए वही, फेसबुक खोलिए वही, अखबार खोलिए वही, न्यूज खोलिए वही, क्या इंडिया टीम इंग्लैंड से हार गई। हंगामा एक से एक के इस टीम ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, इसलिए बोर्ड को बदलना चाहिए। अरे बेवकूफ, जो 8 साल से देश को बर्बाद कर रहा है, हाँ वाह क्या बात है, उसको कब बदलोगे? महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर का नाम है गौस का दामन, नहीं छोड़िए, मत छोड़िए, अब मौका मिले तो देते रहिए। क्या है मुसलमान भाई, जिस दिन आप ओरिजिनल मुसलमान हो जाइएगा, वाह वाह वाह, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, बल्कि दुनिया की सारी ताकतें मुसलमानों के आगे झुकती नजर आई। जिंदाबाद, आप बनिए तो मुसलमान। कब तक आपको कहा जाएगा कि जुआ खेलना छोड़ दो? कब तक कहा जाएगा शराब पीना छोड़ दो? कब तक आपसे कहा जाएगा कि गरीब बच्चियों के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर जहेज के नाम पर खड़ा होकर चंदा करने पर मजबूर मत करो? कब तक कहा जाएगा, कब आपके अंदर इंकलाब पैदा होगा? मुसलमान कौन? एक पर्चा पढ़ रहा था आज से बहुत साल पहले, अमेरिका का एक पादरी, बहुत संजीदा होकर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अमेरिका का एक पादरी अपनी गाड़ी से एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम। पादरी साहब ने ड्राइवर से कहा कि जाके पता करो कि ट्रैफिक जाम क्यों है। आया थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, इसलिए सड़क जाम है, ट्रैफिक जाम है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, अब पैदल चला, जैसे ये चले वैसे ही पादरी चला, जाइए रास्ता दो। क्या मस्ती से जा रहा है, जैसे लग रहा है कि सुन्नियत का काम करने जा रहा है, कितना खुश है, देखिए मुड़ मुड़ के देख रहा है, मौज सेगा वाहिद गायब है, दाढ़ी सेगा जमा गायब है। क्या होगा आपका भाई, क्या होगा? समझ में नहीं आता है कि आप जा किधर रहे, किस समझ जा रहे, क्या मकसद है तुम्हारा? सुनो, मुसलमान किसे कहते हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। वो पादरी भीड़ को चीरता हुआ उस जगह पहुंचा, अल्लाह अल्लाह, देखा कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर से खून बह रहा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है। पादरी ने लोगों से पूछा, एक बात बताओ, इसको क्या दो चक्के ने मारा, फोर व्हीलर ने मारा, किसी बस वाले ने मारा, किसी ट्रक वाले ने मारा, किसी ट्रैक्टर वाले ने मारा, आखिर
इसके साथ हादसा कैसे हुआ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, गौर से सुनना। लोगों ने कहा पादरी साहब वो देखिए, कहा वो क्या है, कहा बीच रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, इस बूढ़े की कुव्वते बिनाई कमजोर थी, जा रहा था, पत्थर पर नजर नहीं पड़ी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा, सर से खून निकला और इसकी मौत हो गई। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद, गौर से सुनो, इतना सुनने के बाद भरे मजमे में उस पादरी ने मुफ्ती साहब एक लफ्ज कहा था कि लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। उस पादरी का यह जुमला सुन मुसलमान, बहुत नारा लगा लिए, तू नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए पैदा। नारे तकबीर, तू इंसान के किस नियत से देखती है। पादरी ने कहा लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ, इतना सुनना था। लोगों ने कहा पादरी साहब इस मौत से, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक, ये टकराया है पत्थर से, गिरा है सर के बल, और आप कह रहे हैं लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ, क्या मतलब। तब अमेरिका के पादरी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम के फरमान को कभी कभी पढ़ लिया करो, मुसलमानों के नबी के हुक्म को पढ़ लिया करो। कहा क्या मतलब, कहा मतलब यह है कि मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों जब रास्ते से गुजरा करो किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो, अगर किसी मुसलमान का गुजर होता आप पत्थर पे नजर पड़ती तो यकीनन मुसलमान अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए पत्थर को रास्ते से हटा देता, जब पत्थर रास्ते में नहीं होता तो इसके साथ हादसा नहीं होता। क्या मतलब, पादरी ने कहा था ए अमेरिका वालों याद रखना, मुसलमान दहशत गर्द कौम का नाम नहीं है, मुसलमान उस कौम का नाम है जो कौम रास्ते में कांटों की बारिश नहीं करती है बल्कि फूलों को बिछाए। नारे तकबीर, नारे रिसाल, लाओ ऐसा, लाओ ऐसा अखलाक, लाओ ऐसा मजहब कि तुमको देखे तो दुनिया कहे रास्ता दो, इस्लाम का मानने वाला आ रहा है, रास्ता दो इस्लाम का चाहने वाला आ रहा है। जरा देखो अपने नबी की सीरत की एक झलक देखो, आका की सीरत की एक झलक देखो। आप समझ रहे हैं जितनी आसानी से हमें इस्लाम मिला ना, बड़ी कुर्बानियों के साथ मिला। अरे एक लफ्ज और कह रहा हूं याद रखना, इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, इंसान अपने किरदार से आला हुआ करता है, इंसान अपने अखलाक से आला हुआ करता है। करो किरदार को आला, करो अखलाक को आला। इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, सबके सब गौसे आजम के दीवाने हैं या नहीं, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के रखो, सब गौस के दीवाने हैं जी, बोलो जोर से हाँ या नहीं, जी हाँ। नीचे रखो, एक बात बताओ, अगर इस्लाम को जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम के लिए तुम अपनी जान दे सकते हो या नहीं, हाथ उठा के बताओ, जान दे सकते हो, हाथ नीचे करो। तो फिलहाल तुमको जान नहीं देना है,
जान नहीं देना है। हाथ उठा के बोलो दोगे, नीचे करो अगर दोगे। इस्लाम के लिए जान नहीं देना है तो बस दो आदमी हम मांगना चाहते हैं। है कोई दो बंदा ऐसा जिसको जान नहीं देना है? उलमा की मौजूदगी में ये वादा करना है कि कल से हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी को सजाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कोई दो आदमी, वाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के लिए जान देगा जो दाढ़ी में खड़ा हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। आ जाओ, ये दो लोग हैं, आ जाओ। वालेकुम सलाम। हजरत हजरत हजरत, दुआ दे दीजिए मौला गुलाम मोहम्मद साहब, दुआ दे दीजिए। अच्छा, दो ही लोग हैं? अरे माशाल्लाह, कहाँ है हैदर साहब? कहिए तो मैं कसम खा के कह दूं कि आपका जलसा कराना वसूल हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेहनत वसूल हो गई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मजहब इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। अब कोई पूछे कि जलसों से क्या फायदा होता है तो कहना जो 40 दिल के चिल्ले में नहीं होता है वो गौसे आजम के जलसे की एक रात में हो जाया पैदा करो इंकलाब, बलो इंकलाबी। इतना पैसा क्या करेगा? रखिए मतलब बात में, हाँ हाँ, मतलब रखिए मतलब दिल रखने के लिए दिए है। कहा है मस्तान? लगा दो नारा, लगाओ नारा, नारे तकबीर, लगाओ मस्तान, अभी नहीं लगाया, लगा दो। जिंदाबाद, हक है मिल्लत, जिंदाबाद, वाह वाह, हबीबे मिल्लत के साथ मुजाहिद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे पूरा बंदा खड़ा होकर नारा लगाए, पूरा बंदा खड़ा हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुजाहिदे मिल्लत, तालीमाते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अमानते सरकार। किसी की चम्मच गिरी नहीं कि जलसा मिलेगा ना, नाम ले लो, वो सब मैं नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, आप मुफ्ती साहब किबला, बरनपुर मदरसा शफिया रिजविया के दस्तार बंदी के जलसे में मैंने हुजूर हबीबे मिल्लत को दावत दी थी। हुजूर तशरीफ लाए, आप ट्रेन से गए, पूरा इलाका जान रहा था कि पीर साहब आ रहे हैं। फोर व्हीलर लेकर के मैंने चार लोगों को भेजा कि हजरत उतर गए हैं, लेके आओ। फोन किया कि ना यहाँ कोई हजरत है ही नहीं, कोई है ही नहीं, अल्लाह अल्लाह। हमने हजरत को फोन किया, कहा मैं यही स्टेशन के बाहर हूँ, उन लोगों को कह रहे का, कह रहे अल्लाह कसम को पीर साहब यहाँ नहीं है। अल्लाह, मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके गया,
क्या हजरत कह रहे हैं ये बौराहा लोग कह रहा नहीं है। मैं गया तो मैंने क्या देखा, एक छोटा सा बैग लटकाए हुए, अल्लाह और दो पल्ले वाली टोपी और धूप में खड़े हैं। मैंने सलाम किया उन लोगों को, मैंने कहा कि यही तो पीर साहब है। कहा जिंदगी में पहली बार इतना सादा पीर देखा है, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद सादा। कहा मेरे तसव्वुर में था पीर साहब होंगे वो 18 किस्म का जुब्बा होगा, 19 किस्म की पगड़ी होगी और आगे पीछे 4 अम्मच चम्मच लोग होंगे, मगर ये पहला पीर। मैंने कहा इनको सादगी किसी और के घर से नहीं मिली है, मुजाहिदे मिल्लत के दर से मिली। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुजाहिदे मिल्लत, नवास है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। दुनिया समझे कि जब नवासा ऐसा है तो बोलो नाना कैसा होगा। वाह 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 वाह, तकदीर का क्या मेयार है। एक पीर देखो महबूबे इलाही, बात वहां चली थी, जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा पीर और मुरीद का रिश्ता दिखा रहा है, पीर और मुरीद का, बाबा फरीद ने कहा, बाबा फरीद ने कहा कि निजामुद्दीन वजू करना है, एक लोटा गरम पानी ले आओ। का हुजूर लाता हूं, हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, गैस का जमाना नहीं था, पीर का हुक्म, पानी गरम चाहिए, वजू करना है। आपने नजर दौड़ाई, कुछ दूरी पे देखा एक घर से धुआं निकल रहा है, आप समझ गए जहां आग होती है वही धुआं होता है। गए आपने दस्तक दी, एक खातून बाहर आई, क्या कहा तुम्हारे घर में आग है। उस खातून ने कहा, गौर से सुनना, कहा ए लड़का ए हमको देखो, इधर पहले से मेरा रंग भी साफ हुआ है। हाँ भाई अच्छा, पहले तो सियाज भी माशाल्लाह ठीक है, ये जमजम साहब शाहनवाज साहब के साथ रहने से कुछ ठीक हुआ है। हाँ सुनो गौर से, मेरी माँ मेरी बहनों मेरी बेटियों तुम भी सुनो, बहुत मौलाना लोग तहरीक चलाते हैं, अब तुम लोग तहरीक चलाओ, तुम लोग तहरीक चलाओ कि जो लड़का दाढ़ी नहीं रखेगा हम उनसे शादी नहीं। अरे वाह 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 माशाल्लाह, चला दो तहरीक। कहा मौलाना से नहीं सुधरे तो हम लोग फातिमा की कनीज है, मैं जानती हूँ तो समाज में सुधार लाना भी जानता। नारे तकबीर, पैदा करो इंकलाब, पैदा करो और जमाने को बता दो कि हम फातिमा की कनीज है तो आओ देखो। कहा गए, कहा तुम्हारे घर में आग है, कहा आग है, देखो पीर किसको कहते हैं और मुरीद किसको। कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गरम पानी दोगी। उसने कहा निजामुद्दीन पानी गरम दूंगी मगर तुमको भी कुछ देना होगा। कहा क्या चाहिए। कहा मैं पानी दूंगी तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी, एक आंख देनी होगी। वाह से सुनना, क्या कहा, एक आंख देनी होगी, पानी लो आंख दो, आंख दो। महबूबे इलाही ने कहा अगर आज का जमाना होता, आज का जमाना होता, पीर साहब कहते गरम पानी लाओ वजू करना है, मुरीद जाता किसी के घर में आवाज देता और कहता एक लोटा पानी गरम दोगे,
घर वाला कहता हाथ दे गे तू आंख नहीं, वो कहता एक उंगली दोगे तब एक लोटा पानी देंगे। मुरीद क्या करता मोबाइल का स्विच स्विच ऑफ कर देता, स्विच ऑफ कर देता। अब पीर साहब इधर से लगा रहे हैं तो आवाज आती कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को ये पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मुरीदे मगर देख पीर हो, देख मुरीद को कहा दो पानी। उस खातून ने कहा निजामुद्दीन दे आल। महबूबे इलाही ने कहा ला चाकू ले आ, ला चाकू ले आंख। वाह वाह वाह, चाकू लाती है कहा पानी दो। उस खातून ने कहा निजामुद्दीन आंख दो। आपने हाथ में चाकू लिया, अल्लाह अल्लाह, सुन नहीं किया, खेथर नहीं किया। आज आप जाते हैं आपकी उंगली में अगर जख्म है और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना होगा तो आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ होगी, ऑपरेशन करने से पहले इसे सुन कर दीजिए। एक मुसलमान जो खूब पीता था, जख्म हो गया था उंगली में, मुसलमान डॉक्टर के पास गया था, कहा डॉक्टर साहब जख्म हो गया है ऑपरेशन करना है। कहा लाओ कर देते हैं। कहा ऐसे नहीं, पहले इसको थेथर करना होगा। कहा क्या नाम है? कहा हम मुसलमान है। कहा इस उंगली को थेथर करे? कहा हाँ। कहा तुमसे बड़ा थेथर कोई है? तुम उंगली को थेथर करने की बात करता है, तुमसे बड़ा थेटर है, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता। बोल तुमसे बड़ा थेटर कौन है? मुसलमान है, रमजान का रोजा नहीं रखता। बोल तुमसे बड़ा थेटर कौन है? मुसलमान है, पैसा है, जकात नहीं देता। बोल तुमसे बड़ा थेटर कौन है? मुसलमान है, दारू पीता है। बोल तुमसे बड़ा थेटर कौन है? मुसलमान है, जुआ खेलता है। बोल तुमसे बड़ा थेटर कौन है? मुसलमान है, शादियों में पटाखा छोड़ता है। बोल तुमसे बड़ा थेथर कौन है? मुसलमान है, शादियों में नाचता है। बोल तुमसे बड़ा थेथर कौन है? कहा डॉक्टर साहब करना क्या होगा? कहा अगर पक्का मुसलमान है तो ऑपरेशन इस शर्त पे करूंगा कि तुम्हें तय करना होगा कि आज के बाद तुम्हारे मोहल्ले से बारात निकलेगी तो तुम गाना गाते नहीं जाओगे, मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ते जाओगे, नारा लगाते जाओगे। बन वैसा मुसलमान बाहर हाल। महबूबे इलाही ने कहा कि ला चाकू, ला चाकू। चाकू लाई, कहा सोच लो। का आशिक सोचता नहीं है, आशिक सोचता नहीं था। कहा आशिक सोचता नहीं है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आशिक बनो तो आला हजरत फरमाएंगे जान है इश्के मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा। कहा ला चाकू, कहा दर्द नहीं होगा। महबूबे इलाही ने कहा जिसको हो दर्द का मजा, तकलीफ नहीं होगी। महबूबे इलाही ने कहा अरे जिसको हो दर्द का मजा, कहा दवा कराओगे? कहा मैं आशिक हूँ जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों? वो चाकू लाती है महबूबे इलाही, अपने हाथ में लेते हैं, आंख में मारते हैं और आंख निकालते हैं। निकाल कर उस औरत से कहते हैं ले आंख दे पानी। वो आंख लेती है, ये पानी लेते हैं। अब चले हैं बाबा फरीद के पास, एक आंख में पट्टी है, एक आंख सही है। जरा संभल के, जरा संभल के, बिल्कुल बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो मेरा जमजम है, अभी आप सुनिएगा झपके न पलक। कुछ ही शायर ऐसे हिंदुस्तान में है
जो शायर को और खतीब को सुनते भी हैं और आह वाह भी करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। कुछ नात खा तो ऐसे हैं कि नात पढ़ने के बाद जैसे लगता है उसको लकवा मार दिया। हाँ भाई, गलत नहीं। अच्छा अच्छा, आज देखिए यहाँ औरतों का बहुत मजमा है, इसलिए संभल के पढ़िएगा वरना एक हादसा हो चुका है। मुफ्ती साहब, एक शायर साहब आए और जिस घर में ठहरे थे उसकी बेगम का नाम सरवरी था। अच्छा, बहुत खिदमत की। नकीब साहब ने ऐलान किया, और ये ऐसा नकीब, ये जब मैं पर आकर मेहनत करते हैं तो मैं अपना कलेजा पकड़ लेता हूँ कि इतना कम नजराना में जान देने की क्या जरूरत है आपको है? थोड़ा सा बढ़ाए। अरे अपने लोगों की कदर कीजिए। ये शख्स इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि इसकी ख्वाहिश होती है कि हमारा कोई खतीब फेल नहीं हो, कोई शायर फेल नहीं हो, पूरी ताकत लगाता है। बहरहाल सरवरी के यहाँ ठहरे थे, आए मौलाना शायर साहब स्टेज पर। नकीब अहले सुन्नत ने कहा कि अब माइक पर जनाब फलाने शायर साहब आ रहे हैं। वो आए, कहे शेर का इरशाद हो, पढ़ना शुरू किया कि जिंदगी अच्छी लगी ना सरवरी लगी। आज जिधर उंगली कर रहा था सरवरी, उधरे बेचारा शायर को क्या मालूम कि सरवरी के घर में ठहरे थे और उसका शौहर जो था मर पन पन सौ का कि बहुत दिन के बाद कोई अच्छी बात कहा है ना, देते जा रहा था। और ये जाना कि जिंदगी अच्छी लगी अच्छी लगी, उंगली उधरे करे जिधर सरवरी हो, आ सरवरी पन पन आपे से बाहर, हरी मस्ती से 500 रुपया का दे कि जिंदगी में पहली बार कोई मेरे मुस्तकिल मुसीबत के बारे सही ऐलान किया है। जलसा खत्म। शायर साहब गए घर, शायर साहब घर गए, कहा कि ठंड का मौसम है, जरा एक प्याली चाय पिलाइए। सरवरी खिड़की से सुन रही थी, अभी करे तो क्या करे। गया का सरवरी, शायर ने कहा कौन है सरवरी, का मेरी अहलिया, का छोड़ दीजिए हम चलते हैं। कहा क्या बात है, उस चाय मांग रहा है, रात भर उंगली देखा देखा के कहा, नाश्ता कराए खाना खिलाए और कहा कि सरवरी अच्छी नहीं है और चाय मांगता, बोलो चुप से चल जाए। इसलिए आप लोग सरवरी उरवरी वाला मत बनिएगा, कभी भी गड़बड़ हो जाता है। गौसे आजम का सबसे अच्छा ताबूत मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने करवाया। फरमाते हैं कि खाते हैं तेरे तेरे दर का मैक है जिसमें कमजोर आदमी भी बोल सकता है, क्योंकि ये खुदे मजबूत है साबिर भाई। दुआ कीजिए, अभी इनका हम पूछे तो बोले 135 किलो तक हुआ है। क्या फरमाते हैं मुफ्ती आजम के खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, अरे दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। एक आंख दे दी, एक आंख दे दी, एक आंख में पट्टी, एक आंख खुली हुई। पहुंचे बाबा फरीद के पास, का हुजूर गरम पानी हाजिर है। आपने फरमाया निजामुद्दीन
एक आंख तुम्हारी ठीक है, एक आंख में पट्टी क्यों है? का हुजूर आंख आ गई, हुजूर आंख आ गई, इतना कहना था। आपने फरमाया निजामुद्दीन आंख से पट्टी हटा, तेरी आंख आंख से पट्टी हटा। यही जुमला है महबूबे इलाही का पट्टी हटा आ गई, आ गई का हुजूर आंख आ गई। बाबा फरीद ने फरमाया मैं भी तो कह रहा हूँ कि आ गई आ गई आ गई, झूठ नहीं बोला बाबा निजामुद्दीन ने। आपकी आंख में अगर कोई तकलीफ होती है तो आप काला चश्मा लगाते हैं। हम लोगों की तरफ कोई पूछता कि काला चश्मा क्यों लगाए हो तो आप नहीं बोलते आंख में तकलीफ है, ये बोलते हैं आंख आ गई, इसलिए काला चश्मा लगाते हैं। महबूबे इलाही ने कहा बाबा आंख आ गई, बाबा फरीद ने कहा मैं भी तो कह रहा हूँ कि आंख आ गई, कहा हुजूर आ गई, कहा आ गई, कहा क्या गई, कहा जो आंख तू दे कर आया था वो आंख आ गई। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने महबूबे इलाही, फैजाने उलिया इकराम। महबूबे इलाही जब पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। अब वो औरत आई देखा महबूबे इलाही को, महबूबे इलाही ने कहा आ गई, वो कदम पे गिर गई, काए निजामुद्दीन अब ऐलान कर ले दो कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा। जिंदाबाद। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, इराक और अमरीका की लड़ाई सदर सद्दाम हुसैन के वक्त तकरीबन 1990 में हुई थी। बम पे बम, बम पे बम, बम पे बम, तो पूरे इराक में सायरन लगा हुआ था, सायरन लगा हुआ था, सीटी बजती थी। मगर उससे पहले एक बात तुम सुनो, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, और आज के इस गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस से आसिफ इकबाल का एक नुस्खा लेकर के जाओ, बहुत अच्छे एक पैगाम लेके जाओ। उस पैगाम से पहले एक बात सुन लो, अपने शौहर से झगड़ा मत करना, अपने शौहर से लड़ाई मत करना, अपने शौहर को बुरा भला मत कहना। अगर तुम्हारे शौहर की औकात 500 रुपए की है और वो 500 रुपए की साड़ी ला कर देता है तो अपने शौहर को ताना मत देना कि फला को देखिए उसने अपनी बीवी को 2000 की साड़ी ला कर दिया। नहीं, मत ताना देना, मत बुरा भला कहना। अगर तू वफादार फरमा ए अल्लाह मेरे शौहर को तरक्की दे, आज 500 की दिया है तो कल यही शौहर 1000 की ला के देगा। और सुनो एक बात, सुनो एक बात, आका फरमाते हैं जो बीवी अपने शौहर के कहे पे गए अपने शौहर की खिदमत करती है, शौहर ने नहीं कहा पानी दो, उसके मांगने से पहले लाकर एक गिलास पानी दे दो कि हुजूर पानी पिए आप, शौहर ने नहीं कहा खाना दो, उसके कहने से पहले खाना ला के दो, शौहर ने नहीं कहा तुमको कि कपड़ा दो, उसके कहने से पहले कपड़ा ला के दो, शौहर ने नहीं कहा मेरे लिए बिस्तर लगाओ, उसके कहने से पहले बिस्तर लगाओ, शौहर ने नहीं कहा
के मेरे पाँव में तेल लगाओ, उसके कहने से पहले तेल लगाओ, पाँव में तेल लगाओ, शौहर है तुम्हारा थका मांदा आया है, सर में तेल लगाओ, सर को दबाओ, इसको मत दबाना, इसको छोड़ करके ऐसा नहीं कहना कि मौलाना साहब तो बोले थे दबाने के लिए, क्लियर कर दे रहे, इसको छोड़ करके अब फायदा क्या होगा? सुनो, आका करीम फरमाते हैं कि जो बीवी, गौर से सुनना मेरी माँ, गौर से सुनना मेरी बहन, गौर से सुनना मेरी बेटी, तुम लोगों का भी बहुत बुरा हाल है, ये बुढ़िया लोग से पूछिए कि कलमा याद है आपको, तो कहे कि मौलाना साहब ये सब झमेला में हम लोग नहीं रहते, हाँ पूछिए कुरान शरीफ याद है, कई सब चक्कर में नहीं रहते, तो तुम कौन चक्कर में रहती है रे बुढ़िया? सुनो, एक काम करो, कल से शुरू हो जाओ, तुम्हारा शौहर कहे, तुम्हारा बाप कहे, तुम्हारा भाई कहे, तुम्हारा बेटा कहे कि नाश्ता बनाओ, तो अपने बाप से कहना, अपने शौहर से कहना, अपने भाई से कहना, अपने बेटे से कहना कि याद रखिए कल से नाश्ता बाद में बनेगा, घर में कुरान की तिलावत पहले होगी, जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे नाश्ता नहीं बनेगा, एक आयत पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, सुबह उठो, वजू करने के बाद कुरान पढ़ना नहीं आता, कलमा पढ़ो, अपने आका पर दुरूद पढ़ो, नाश शरीफ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, इंशाल्लाह कुरान पढ़ती चली जाओगी, तुम्हारे घर में बरकत होती चली जाएगी, इंकलाब पैदा करो। बहुत चाहती हो कि मौलाना साहेब एक तो तावीज दे दीजिए, मेरा लड़का बिगड़ गया है, अरे लड़का बाद में बिगड़ा है पर तुम बिगड़ी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तुम बिगड़ी है, बच्चा तुम्हारी गोद में है और तुम सीरियल देखती है, शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हारा बच्चा वफादार होगा, बच्चा माँ की पेट में है, माँ टीवी पर डांस देखती है, बोल तुम्हारे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही हो, गाना गा रही हो, बोल तुम्हारे बच्चे पर असर क्या पड़ेगा? अरे पहले की माँ, पहले की माँ, पहले की माँ रात रात भर सजदा करती थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता था, पहले की माँ रात रात भर कुरान की तिलावत करती थी तो बेटा तलवारों के साये में कुरान सुनाने वाला हुसैन हुआ था। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाल, बन वैसी माँ, बन जा वैसी बेटी, बन जा। एक पैगाम, आखिरी पैगाम, गौर से सुनो, मैं मुबारकबाद देता हूं तुमको कि तुम जलसे में आई हो, गौर से सुनो, एक पैगाम, बस एक पैगाम यहां से लेते जाओ, तुम भी अपनी बहनों से कहो, अपनी बेटियों से कहो, अपनी बीवियों से कहो, मेरी माँ अपने इस भाई का, इस बेटे का एक पैगाम घर घर पहुंचा दो, आज के बाद, आज के बाद। सुनो, पानी बाद में पीना, पहले मेरे पैगाम को सुनो, यहाँ पानी पी रही है, घर में सास को पानी पिला रही है, कोई ससुर को पानी पिला रही है, कोई अपने शौहर को पानी पिला रही है, पानी बाद में पीना, पहले मेरे पैगाम को सुनो। गलती आप लोगों को भी आए, रखिए लिफाफा, कम बेसी बाद में देखेंगे हम लोग, आप लोगों की भी गलती है, आप भी अपनी बीवी की इज्जत बहुत कम करते हैं, कितने लोग हैं असोमत, कितने लोग हैं जो घर जाकर अपनी बीवी को सलाम करते हैं? नहीं के बराबर, कहेंगे सलाम करने में बहुत खराब लगता है,
कहेंगे उन लोग को सलाम करेंगे, नहीं करता भाई, कोई सलाम नहीं करता। बाहर से आएगा घर के दरवाजे पर खड़ा होकर कहेगा जैसे लगेगा शौहर नहीं आया, कोई टीवी पेशेंट आया हुआ है। बीवी दरवाजा खोलेगी कहेगी अस्सलामुअलैकुम, कहेगा खाली वही लोग सलाम करेगी ना। हजरत अली जैसा कोई शौहर हो सकता है ना हजरत फातिमा जैसी कोई बीवी हो सकती है। अली की नजर हजरत फातिमा पर पड़ती थी तो हजरत अली हजरत फातिमा को सलाम किया करते थे। इसलिए जलसे के बाद जब घर जाओ और घर वाली पर नजर पड़े तो क्या करना है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सलाम करना है। अब तुम लोग खुश, इन लोग की हंसी देखिए, बाप रे एकदम गदगद है इन लोग कि बहुत दिन के बाद कोई मौलाना आया है जिसने कुछ किया, जिसने कुछ किया या नहीं किया। हम लोग बाप रे बाप, बुढ़िया लोग हंस रही है, जो देखिए हंसो हंसो हंसो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सलाम करना छोड़ दो, तुम भी सलाम करो, ये भी सलाम करे, तुम भी सलाम करो। सलाम में बरकत है, सलाम में बरकत है। जो सलाम करने में पहल करता है अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि मुरीदी पीर को सलाम करे, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि मुक्तदी ही इमाम को सलाम करे, कोई जरूरी नहीं कि बेटा बाप को सलाम करे। बाप भी खड़ा हुआ है, बेटा आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, तब बुढ़वा कहेगा वालेकुम अस्सलाम, अरे बुआ तुमको सलाम करने में क्या दिक्कत है रे, सलाम करो। अच्छा एक बात बताओ, मैं मैक पर आया, मैंने आपको सलाम किया तो आपको तकलीफ हुई या खुशी हुई, जोर से बोलो। दो चार मिनट आठ टाइम है ना कि खत्म कर दे, बस दो दो तीन मिनट आ, इजाजत है ना। हाँ, सुनो सुनो, मैंने मैक पर आया, मैं आपको सलाम किया, आपको खुशी हुई ना। अब अपने दिल पे हाथ रखो, हाथ रख के फैसला करो कि मैं भी उम्मत और तुम भी उम्मत, मैं भी उम्मत तुम भी उम्मत। जब उम्मत उम्मत को सलाम करे, जब उम्मत उम्मत को सलाम करे तो उम्मत को इतनी खुशी होती है। अब बोलो, जब यही उम्मत खड़े होकर अपने नबी को सलाम करे, बोलो नबी को कितनी खुशी होती हो। जिंदाबाद, माशाल्लाह। सलाम को फैलाओ, वफ़्सु सलाम, घर जाओ सलाम करो, तुम भी सलाम करो, ये भी सलाम करे, दोनों सलाम करो। हाँ, अब ऐसा नहीं कि तुम लोग मटिया देना, कल तक इन लोग खांसता तो उसके बाद तुमने कहा सलाम कीजिए ना, सलाम कीजिए ना, बोले का है, बोले वहां सब बोले थे सलाम करना, सलाम कीजिए, नहीं इसम मत करना, इसम मत करना। एक पैगाम लो आज के बाद, आज के बाद तुम किसी बेटी को या किसी बेटे को, गौर से सुनना, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए इस पैगाम को, हम कीजिए। आज के बाद अगर तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए, गौर से सुनो, किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए और जब उसे भूख लगे, कसम खुदा की बहुत मर्तबा है माँ का, बहुत मकाम है बाप का, बाप का, बाप बाप। कितने लोग हैं जो अपने घर में अपनी माँ का हाथ चूमते, हाथ उठा के बताइए जी हजरत, माशाल्लाह, पांच दस लोग, बकिया किसका, शर्म आनी चाहिए। पीर साहब आए वो चुम्मा चाटी, जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा वहां ढकेल दिया जाएगा। पीर का हाथ चूमते हो, माँ के हाथ को चूमने में शर्म आती है। नौ महीना पेट में तुमको तुम्हारे पीर ने नहीं रखा है, तुमको तुम्हारी माँ ने रखा है, क्यों नहीं अपने बूढ़े बाप के हाथ को चूमते हो, क्यों नहीं
धूप में मजदूरी करके मेहनत करके कमा कर पैसा लाने वाला तुम्हारा बाप, जाड़े में ठंड में मेहनत करने वाला तुम्हारा बाप, बरसात में पानी भी में भीगने वाला तुम्हारा बाप, क्यों नहीं अपने बाप के हाथ को चूमते हो? क्यों नहीं अपनी माँ के हाथ को चूमते हो? सुनो, ये तय करो आज के बाद पीर के हाथ को बाद में चूमना, अपनी माँ के हाथों को पहले चूमना, बाप के हाथ को पहले चूमना। इसलिए बच्चा दुनिया में आए और उसे भूख लगे अपनी गोद में उठाना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना। ये पैगाम दे रहा हूँ, तुम ट्राई करके तो देखो इसका फायदा। बच्चा गोद में है, सीने से लगा है, तुम्हारे सीने से लगकर बच्चा दूध पी रहा है, तुम दुरूद पढ़ती रहना, तुम कलमा पढ़ती रहना। अगर कुरान की आयत याद हो, कुरान पढ़ना, बच्चा दूध पी रहा है तुम कलमा पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है तुम दुरूद पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है तुम कुरान पढ़ रही है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा जवान होगा, तुम्हारा भी वफादार होगा और मजहब इस्लाम का भी वफादार होगा। जिंदाबाद लाजवाब। कोशिश करो, कोशिश, तब्दीली लाओ, इंकलाब लाओ। आप पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे का अहतमाम करो, ऐसा चलो कि दुनिया देखे तो कहे कि कोई आम औरत नहीं आ रही है, फातिमा की कनीज आ रही है। नकाब हो तुम्हारा, चेहरा ढका हो, देखो हमारे सैयद साहब बैठे हैं, कटक से तशरीफ लाए हैं, ये इनकी मोहब्बत है। और हाफिज साहब आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, मुबारकबाद के लायक है। देर आयत दुरुस्त आयत, आज आप आ गए, वरना कयामत में आला हजरत कहते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह, आप आ गए, अल्लाह ईमान पे सलामती अता फरमाए, सख्ती के साथ मसल के आला हजरत पर कायम रखे। माशाल्लाह सुनने में आया बहुत अच्छे हाफिज हैं, बहुत अच्छे हाफिज हैं। बस जो हाफिज होता है, जो हाफिज होता है उसको जिंदगी भर का एक मर्ज हो जाता है, और उसका इलाज ये है कि वो रोजाना कुरान की तिलावत करे। ये देखे हमारे हैदर बाबू भी आ गए, चंद बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अल्लामा फरीदुल कादरी साहब की तकरीर होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है वसलामुन अला इबादिही लदीन अस्तफा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। हाथ उठा के बोलो इस्लाम। या अल्लाह, जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाकर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया है, उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। जिसका हाथ नीचे रह गया होगा वो दुआ से महरूम रह गया होगा। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और कमेटी के लोग, आपका नौजवान भी एक एक खुश अखलाक है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश अखलाक है। वरना जलसे में जाइए तो आधा घंटा खोजिए तब जलसा वाला कोई मिलता है ना। मगर आपके बच्चे सब लगे रहे, परवरदिगार जिन बच्चों ने गौसे आजम की मजलिस सजाई है, मौला तू उन बच्चों के दिलों को सजा दे, उन लोगों के नेक अजायज कारोबार में बरकतें अता फरमा। आपको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, हाथ उठाइए बोलिए इस्लाम इस्लाम इस्लाम। यहाँ के नौजवान गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक ला, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा, आमीन सुम्मा आमीन वाखिर दावा हूँ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खूबसूरत खिताबत, तशरीफ रखे, जमजम भाई का कलाम होगा इंशाअल्लाह। 18 तारीख को मंत्री पर आपके इमाम साहब के गांव में प्रोग्राम है, अल्लामा सैयद शबहात हुसैन साहब, मुमताज टांडवी और गुलाम गौस गजाली तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात वहां पहुंचे, मुफ्ती मोशन 4 दिसंबर को हमारे डेरा बीसी में भी अजीमोशान प्रोग्राम। कौन रहेंगे? मुमताज टांडवी, सैयद मुकीमुर रहमान वहां रहेंगे, ये हमारे जाफर भाई के इलाके में। बस आप हजरात वहां भी पहुंचे। मैं चाहता हूँ जमजम भाई का कलाम, नौजवान बैठे ना।